तो आज हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन का, हाउ कैन प्रोटेक्ट द सीट। तो सीट के ओके अंदर आप पासवर्ड किस तरह से डालेंगे, चलिए इस पे आज हम बात करते हैं आपके साथ। तो ओके मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है, मैं चाहता हूँ कि कोई भी पर्सन इस डेटा को छेड़छाड़ ना कर सके, कोई भी पर्सन इस डेटा को छेड़छाड़ ना कर सके। तो सिंपली क्या करना है, राइट क्लिक, प्रोटेक्ट शीट, और यहाँ मुझे अपना पासवर्ड अप्लाई करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप पासवर्ड अप्लाई करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट क्लियर यहाँ बोलता है कि इफ़ यू लॉस एंड फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो ओके okay. पासवर्ड रिकवर्ड नहीं होगा, इसलिए ध्यान से रखिएगा, पासवर्ड को कंफर्म कीजिए, देन ओके। और मैं कहीं भी कुछ टाइप करूंगा तो आप देखेंगे कि किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं कर पा रहा हूं। तो क्या करना है, जस्ट सीट के ऊपर प्रोटेक्ट शीट और पासवर्ड डाल देना, राइट, समझे। ओके सर अब इसमें एक चीज और आता है कि मैं इसको अनप्रोटेक्ट कैसे करूं। तो जैसे आपने प्रोटेक्ट किया था उसी पर राइट क्लिक करके अनप्रोटेक्ट कीजिएगा विथ पासवर्ड, ओके कीजिए। अब मैं इसमें किसी भी तरह का चेंजिंग कर सकता हूँ। अच्छा, ओके प्रोटेक्शन करने के बाद आपने देखा कि मैं कॉपी कर सकता था, डेटा सेलेक्ट करके कॉपी कर सकता हूँ, मतलब कि मैं यहाँ पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड को कंफर्म कर दिया, तो मैं कोई चेंजिंग तो नहीं कर सकता, पर इस पूरे डेटा को क्या कर सकता हूँ सर, सेलेक्ट करके कॉपी तो कर सकता हूँ ना सर, और इसको किसी और जगह पे ले जाकर पेस्ट कर सकता हूँ क्या। हाँ ओके सो हम चाहते हैं कि पर्सन कॉपी भी ना कर सके। देखिए, कॉपी को डिसेबल नहीं किया जा सकता, कॉपी ओके को डिसेबल नहीं किया जा सकता। रीजन, क्योंकि कॉपी एक्सेल का पार्ट नहीं, ये आपका विंडो का पार्ट है, बट एक्सेल में भी ओके यूज हो जाता है, बट एक्सेल का पार्ट नहीं, यूनिवर्सल। ओके लेकिन कॉपी करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, सिलेक्शन। जब तक हम डेटा को सिलेक्ट ना करें, कॉपी तो होगा नहीं। फिर नहीं हम जब पासवर्ड डालते हैं, पहले अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ और फिर वापस मैं प्रोटेक्ट करता हूँ, तो ये बहुत सारे चेक बॉक्स दिख रहे हैं ना सर आपको। यस सर ये चेक बॉक्स क्या है, ऊपर इसकी हेडिंग पढ़ेंगे तो है अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू। मतलब पासवर्ड डालने के ओके बाद बंदा ये सारा काम कर सकता है जिस पे हमने टिक लगाया हुआ है, जैसे कि हमने फॉर्मेट सेल ओके लगा दिया और ओके किया। तो अब मैं कोई डेटा चेंज तो नहीं कर सकता, बट वी हैव अप्लाई द फॉर्मेट, ठीक है। ओके ओके सर तो जब हम पासवर्ड डालते हैं तो पासवर्ड डालते समय ये अलाउंस होती है, जैसे आपने फॉर्मेट कॉलम, रो, इंसर्ट हाइपरलिंक, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, सॉर्ट, ऑटो फिल्टर, ये जितने भी दिख रहे हैं चेक बॉक्स, अगर क्लिक कर दिया तो पासवर्ड के बाद हम इस पे ओके काम कर सकते हैं। ओके लेकिन लेकिन दो जो डिफॉल्ट सिलेक्शन है जो आप देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं ना सर, ओके वो क्या है, डिफॉल्ट होता है सिलेक्ट लॉक्ड सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल। अब लॉक्ड अनलॉक क्या होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हमने जान लिया कि सिलेक्शन करना है, राइट, क्या सर। यस तो सिलेक्शन हटा दिया, अच्छा मैं पासवर्ड नहीं डाल रहा हूँ, डायरेक्ट ओके कर दे रहा हूँ, लेकिन आप पासवर्ड डालिएगा, ठीक है। ओके अब देखिए मैं कहीं क्लिक नहीं कर पा रहा, जाहिर सी बात, जब क्लिक नहीं करूंगा तो कॉपी क्या होगा, एक सिंगल सेल, ओके समझिए कि नहीं समझे। तो ओके कॉपी करने का तरीका है, ठीक है। ओके अब दूसरा बात आती है कि मुझे अब प्रोटेक्शन जो है, यहां पे देना है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर रखना है। जैसे मैं चाहता हूं पूरे सीट पे हमारा किसी भी तरह का
फॉर्मेटिंग ना हो, लेकिन मैं किसी भी तरह के कोई भी तरीके ये नहीं है। हेलो, हाँ मैं कह बोलिए, रहा सुन हूँ पड़ा कि हूँ सर। पूरे सीट पे कोई टाइपिंग ना कर सके, लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया पे टाइप हो सके, तो ओके क्या करेंगे इसके लिए? ओके सर। इसके लिए आप जैसे पासवर्ड डालते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पढ़िए कि प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कॉन्टेंट ऑफ लॉक सेल, जी, कि जो लॉक सेल है उसी पे पासवर्ड अप्लाई होता है। अब हम बात करते हैं कि लॉक सेल और अनलॉक सेल क्या होता है। किसी भी सेल पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट पे जाएंगे तो इसकी जो प्रोटेक्शन वाले टैब है यहाँ दिख रहा होगा, ओके इसमें आपको दिख रहा होगा लॉक। जिस ओके सेल पे लॉक लगा है ना सर, वो आपका लॉक्ड सेल है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी लॉक्ड है। ऐसा नहीं कि पासवर्ड डला हुआ है, ये पासवर्ड को मान लीजिए ओके सपोर्ट कर रहा है, ओके मतलब पासवर्ड प्रोटेक्ट शीट करने के बाद इस पे कि हर तरह की पासवर्ड फीचर जो है अप्लाई होगा, ठीक है, ओके पासवर्ड वाली फीचर अप्लाई होगा। लेकिन ओके मैंने क्या किया कि इस येलो एरिया पे गया, सिलेक्ट करके येलो एरिया को सिलेक्ट कर लिया और ओके यहाँ पे गया और यहाँ लॉक सेल को अनचेक कर दिया, मतलब इस येलो एरिया को हमने क्या कर दिया, अनलॉक कर दिया। अनलॉक कर दिया। ओके अब अनलॉक करने के बाद जब इसमें पासवर्ड डालूंगा तो क्या होगा, सॉरी पासवर्ड डालते समय एक छोटी सी हमने गलती कर दी, सिलेक्शन देना पड़ेगा ना, ठीक है, दिख रहा है सर? या अब पासवर्ड डालिए, यहाँ पे पासवर्ड को कंफर्म कीजिए, एन ओके कीजिए। अब मैं यहाँ पे टाइप कर पा रहा बट यहाँ नहीं कर पा रहा। ओके तो हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर कर दिया। अनलॉक कर दिया। जी समझ गए। यस सर। अब चलिए इसी का उल्टा अगर करते हैं, हम इस येलो एरिया को रेड कर देते हैं, ठीक है। यस सर। मुझे क्या करना है कि पूरी सीट हमारा प्रोटेक्शन से बाहर हो, मतलब कि अनलॉक हो, सिर्फ ए सीट लॉक, ए एरिया लॉक हो। ओके तो सबसे पहले वन और ए के ऊपर जो ट्रायंगल बना है ना उस पर क्लिक कीजिए, ओके राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और मैंने यहाँ से लॉक को हटा दिया। अब मैं ओके पासवर्ड डालूंगा तो हर सीट पे टाइप, मतलब हर सेल पे टाइप होगा, लेकिन मुझे इस कलर एरिया पे नहीं करना है ना सर। ओके इस कलर एरिया को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और वापस इस पे लॉक क्या कर दूंगा, कर दूंगा। लॉक लगा, ठीक है। ओके सर। अब इस पे मैं प्रोटेक्ट शीट करके पासवर्ड डाल के ओके करूंगा, तब मैं कहीं भी टाइप कर सकता हूँ। कहाँ ओके टाइप नहीं कर पाऊंगा तो इस रेड इलाका, रेड रेड एरिया एरिया में, में। समझे? ओके ओके सर। डाउट था, ये बोलिए, डाउट था इस बात नहीं, अभी डाउट क्लियर हो गया, ये चलिए, डाउट था। क्लियर हो गया ना डाउट सर? ओके सर। अभी भी डाउट है, क्लियर हो गया? नहीं, डाउट क्लियर हो गया सर। चलिए, आगे बढ़े। अब यस सर। इसमें अगला ऑप्शन आता है, ओके इसका बेनिफिट क्या है? ऐसा तो कर ओके लिया बट इसका है क्या बेनिफिट? पहले तो मैं इसको अनलॉक करता हूँ, अनप्रोटेक्ट करता हूँ और क्लियर फॉर्मेट। तो देखिए मैं यहाँ पे एक डेटा एंट्री करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ओके मैंने यहाँ पे लिखा नेम, हमने यहाँ लिखा क्वांटिटी,
अब एमआरपी, अब इसमें अमाउंट जो है हमारा, और यहाँ पे कमीशन है, यहाँ पे जीएसटी है, यहाँ टोटल है, ओके और यहाँ पे डेट है, और यहाँ पे टाइम है। ठीक है सर, एक डेटा एंट्री कर रहा हूँ मैं। ओके अमाउंट जो है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी है, कमीशन जो है अमाउंट का 10%, जीएसटी अमाउंट का 18%, और यहाँ वाला टोटल आ गया टोटल सर। यस सर अब इसको सेलेक्ट करते हैं। अब होगा कि क्या कौन कि सा मैं बटन शॉर्टकट की छिपा है सर? कंट्रोल कंट्रोल डी, डी। जी जैसे नाम लिखा, पूजा लिखा, एमआरपी लिखा, तो ये बाकी अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो ओके सर। मुझे एक 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 करके यहाँ पे जाना पड़ा, और यहाँ पे डेट और यहाँ पे टाइम लिखना पड़ा। तो ओके मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार जब कर्सर मूव करूँ तो यहाँ से उठ के यहाँ आऊँ, यहाँ से उठ के यहाँ आऊँ, तो मूव होते रहो। ओके तो क्या करें इसके लिए, तो पूरे सीट को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट सेल में गया और इसको अनलॉक कर दिया। ठीक है, ओके ओके और जितने फॉर्मूला लगा था ना, जिसपे मुझे कर्सर नहीं ले जाना था, उसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट सेल पे गए और वापस लॉक लगा दिया। ओके लॉक हो गया। ओके अब मैं इसमें पासवर्ड डालूंगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा सर, पासवर्ड डालते ओके समय सिलेक्ट लॉक सेल को अनचेक कर देता हूँ। लॉक ओके सेल कौन सा है इसमें? फॉर्मूला बार, फॉर्मूला जिस पे लगा डी है। ई एफ जी, चार कॉलम। मतलब हमने बोला कि चार कॉलम पे कर्सर जाओ ही नहीं, सिलेक्ट ही ना करो, फिर ओके कर दिया। अब देखिए मैं एंट्री करता हूँ, नीरज 2865। अब टैब प्रेस किया तो कर्सर कहाँ चला गया? अब तो लास्ट में चला डेट गया पे ना सर, ओके समझ ओके में आया? सर दिक्कत इसमें ओके मतलब कि ऐसा भी कर सकते, मैं इसको अनप्रोटेक्ट करता हूँ दोबारा। अब जैसे कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे नेम है, यहाँ पे रोल नंबर है, नहीं ये अलग सीट पे होगा, ओके ये सीट पे करोगे दिक्कत हो जाएगी सर। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम, ठीक है, और ओके यहाँ पे लिखता हूँ सिटी, और यहाँ पे ओके लिखता हूँ मार्क्स। ओके इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, ओके फॉर्मेट सेल, और इसमें से लॉक हटा दिया ताकि इस पर हम टाइप कर सकें। ओके अब इसमें मैं पासवर्ड डालता हूँ प्रोटेक्ट सीट करके। लेकिन पासवर्ड डालते समय मैं सिलेक्ट लॉक सेल को चेक कर देता हूँ। अब एक बार मैं मार्क कर देता हूँ इसको, कलर कर देता हूँ ताकि मार्क रहेगा ना सर, ठीक रहेगा क्या सर? फॉर्मेट ओके सेल में गया, इसका लॉक हटा दिया, लेकिन बाकी सेल पे लॉक लगा हुआ है। ठीक है सर, ओके और पासवर्ड डालते समय हमें क्या करना है, इस लॉक को अनचेक कर देना है। ध्यान से ओके पासवर्ड डालिए। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे पूजा एंट्री किया, अब कर्सर मारते ही नॉर्मली तो नीचे आना चाहिए ना सर, सीधे यहाँ आएगा। आया, ओके उन्हें किया, टैब प्रेस किया, डायरेक्ट वहां पे। तो ओके अगर कोई फॉर्म टाइप पे कुछ बना रहे हैं तो इसका यूज कर सकते हैं, ताकि ओके आप वहीं पे एंट्री करें जहां पे जरूरत ओके हो। समझ में आ गया? तो ओके इसमें सर नहीं डाउट नहीं है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर, थोड़ा प्रैक्टिस तो सर सा आपको तो डिफिकल्टी है। अनब्लॉक हाँ, ब्लॉक में थोड़ा सा डिफिकल्टी तो है। ये सीट मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, ओके
इसमें अगला बारी आती है कि मुझे क्या करना है कि मुझे करना यह है कि मुझे एक ही सीट पे दो अलग अलग पासवर्ड लगाना है, ओके ओके समझे सर? जैसे कि मेरे पास एक एरिया है मिस्टर ए के लिए, किसके लिए? ए के लिए। दूसरा एरिया है ओके मिस्टर बी के लिए। ओके मैं चाहता हूं कि मिस्टर ए और बी अपने एरिया पे काम करें। ये मिस्टर ए का एरिया हो गया और मिस्टर बी का एरिया हो गया। ओके चाहता हूँ मिस्टर ए और मिस्टर बी अपने अपने एरिया पे काम करें, और मैं उन दोनों को ओके एक अलग अलग पासवर्ड दे दूंगा जिससे वो अपने एरिया पे ही काम कर पाएंगे। ओके इसके लिए आपको जाना होगा कहाँ पे? रिव्यू टैब में, ओके और यहाँ दिख रहा होगा अलाउ एडिट रेंज, ओके क्लिक कीजिए। न्यू करके आप यहाँ पे ए टाइटल दे दीजिए और फिर सेलेक्ट कर ओके लीजिए अपना मिस्टर ए का एरिया, और यहाँ पे एक ओके पासवर्ड दे दीजिए। पासवर्ड को कंफर्म कर दीजिए, देन ओके। फिर न्यू पे आइए, मिस्टर बी के लिए बी का टाइटल दीजिए और मिस्टर बी का एरिया सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है सर? ओके और मिस्टर बी का कोई और पासवर्ड, पासवर्ड को कंफर्म कर दीजिए, ओके अप्लाई एंड ओके। अभी ऐसा एक्टिवेट नहीं हुआ था कि हम दोनों पे काम कर पा रहे हैं। एक्टिवेट कब होगा? ओके जब आप सीट को पासवर्ड डालिए। ओके सीट पे हमने क्या किया? पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड कंफर्म कर दिया एंड ओके कर दिया। ओके जैसे यहां टाइप करूंगा, मुझसे पासवर्ड पूछिए। ओके मैं पासवर्ड डाल दिया मिस्टर ए का। अब मैं मिस्टर ए के एरिया में काम कर सकता हूं, कब तक? जब तक कि मैं फाइल को रीओपन ना करूं। रीओपन करने पे अगेन पासवर्ड मांगे, ओके और मिस्टर बी में जाएंगे तो अगेन पासवर्ड पूछेगा। ओके ऐसे 3 4 5 6 एरिया पे काम कर सकते हैं, ओके ठीक है सर? ओके सर तो ये फाइल मैं आपको भेजता हूँ।